गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंजर्व करके रखना, किसी को बचा के रखना फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट, ताकि वो आगे की जनरेशन भी चला सके या अगले जनरेशन तक चल सके। देन व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होता है कि वो वाले प्लांट जो नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहे हों, जब वो वाले एनिमल जो नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहे हों, तो वो होते हैं वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये कि अनकल्टीवेटेड प्लांट, वो वाले प्लांट जिनको हम खुद कल्टीवेट नहीं करते हैं, और अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको हम खुद डोमेस्टिकेट नहीं कर रहे हैं, और बोथ प्लांट एंड एनिमल्स ये जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में खुद ग्रो कर रहे हों, इनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्स कंट्रियों में इंक्लूड किया जाता है, मगर अगर आप पर कैपिटा इनकम में देखें तो इंडिया जो है वो समवट पूरस्ट में आता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। जैसे मेगा डाइवर्सिटी कंट्रियों में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंक है। इट इज़ रैंक 9th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ हायर प्लांट स्पीशीज रिचनेस। All the ecosystem level, India is also well endowed with 10 distinct biogeographic zones. It contains over 7% of world biodiversity. आपको जान के हैरानी होगी कि 7% world की biodiversity India में होती है, जो कि include होता है 2.5% of earth surface. It also contains two of the world's 25 biodiversity hotspots. World में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और जिसमें से दो जो है वो इंडिया में है। बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिसिटी एंड थ्रेटन्ड स्टेटस। इंडिया इज रिच इन वेरियस बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस रेंजिंग फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड स्पीति टू द हॉट डेजर्ट ऑफ थार, टेम्परेट फॉरेस्ट इन द हिमालय टू द लश ग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द लो लैंड। इंडिया इज ऑल्सो द लार्ज फ्रेश वाटर बॉडीज such as Buller and Mansbal Lake in Kashmir, Chilka Lake in Odisha and Koluru Lake in Andhra Pradesh, and the rugged and rich coastline and coral reef of Deccan. तो ये जो introduction है इसमें बताया गया है कि इंडिया वाकई किस जगह पे अपने हाइएस्ट स्टेटस को मेंटेन करता है। जैसे कि मैंने भी बोला, इंडिया का वर्ल्ड में जो है इंडिया 7% बायोडाइवर्सिटी को रखता है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और वर्ल्ड के 25 बायोडाइवर्सिटी में 2 डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ इंडिया में ही है। अब बायो लाइफ को हम, जब बायोडाइवर्सिटी और वी कैन से वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए दो मेथड है। एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। इन सीटू होता है कि इट इन्वॉल्व कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हम जहाँ पे वो ग्रो कर रहे होते हैं वहीं पे उसे कंजर्व कर देते हैं। द एम ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इज टू अलाउ द पॉपुलेशन टू मेंटेन आर परपेटुएट इटसेल्फ विद इन द कम्युनिटी एनवायरनमेंट टू विच इट इज अडॉप्टेड। मतलब हम उस प्लांट्स और एनिमल्स को वहीं पे रहने देंगे और वहीं पे कंजर्व करेंगे, उसको आगे पीछे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे। एक्स सीटू में क्या होता है कि यहाँ पे हम उसे कंजर्वेशन करते हैं लेकिन आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उसे वहाँ से हटा के किसी और जगह लाया जाता है और वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की जाती है। इट इंक्लूड कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इन स्पेसिफिक लोकेशन सच एज बोटेनिकल गार्डन, जू, सफारी पार्क, एक्वेरिया एंड इन इंस्टीट्यूट सच एज जीन बैंक। तो ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं कि वहाँ से प्लांट्स और एनिमल को शिफ्ट कर देते हैं, या तो उसे जू में डाल देंगे, या बोटेनिकल अगर प्लांट है तो बोटेनिकल गार्डन में डाल देंगे, या फिर सफारी पार्क बना देंगे, या एक्वेरिया में डाल देंगे। तो इनकी कंजर्वेशन जो होती है वो नेचुरल हैबिटेट के बियॉन्ड होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, इन सीटू में नेचुरल हैबिटेट और एक्स सीटू में आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। अब इन सीटू के कौन कौन से मेथड्स हैं। इन सीटू कंजर्वेशन इज डन बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया थ्रू नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। इन इंडिया द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, ये है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोसेफी रिजर्व एंड इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एंड सेंसिटिव एरिया। द रिजल्ट ऑफ दिस नेटवर्क हैव बीन सिग्निफिकेंट इन रिस्टोरिंग
वायबल पॉपुलेशन ऑफ लार्ज मैमल्स सच एज टाइगर, लायन, राइनोसिरोस, क्रोकोडाइल एंड एलिफेंट। सो इन सिटू में क्या करते हैं, हम उसे वहीं पे प्रिजर्व करते हैं, वहीं पे कंजर्व करते हैं बाय मेकिंग और बाय क्रिएटिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटसेट्रा। हाँ, सबसे पहले नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो वाला एरिया है या जहाँ पे स्ट्रिक्टली रिजर्व किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक्टिविटी लाइक डेवलपमेंटल फॉरेस्ट पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग ऑन कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड, बिल्कुल भी परमिशन इसकी नहीं होती। ये दे आर यूजली स्मॉल रिजर्व स्प्रेडिंग इन एरिया ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर टू 500 स्क्वायर किलोमीटर। इनकी जो बाउंड्री होती है आर वेल मार्क्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। नेशनल पार्क डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात याद रखना। एक, इनकी बाउंड्री जो है वो इतनी आसानी से अल्टर नहीं होती। दूसरा, ये मैनेज किए जाते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर के हैं, ये है सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम पहले था सलीम अली नेशनल पार्क, डचीगांव नेशनल पार्क, हैमिस नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो जम्मू कश्मीर में यही चार नेशनल पार्क हैं। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया विच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्राइवेट ओनरशिप राइट आर अलाउड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेलबींग ऑफ एनिमल्स। बाउंड्री ऑफ सेंचुरी आर नॉट वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड। सो दोनों में डिफरेंस समझिए। नेशनल पार्क में ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं अलो की जाती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की जाती है। इवन आप टिम्बर कलेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई चीज़ें थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हो, अनटिल अनलेस वो उनके पर्सनल इंटरफेरेंस ना कर रही हो। दूसरा, नेशनल पार्क में जो बाउंड्री है वो फिक्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है फिक्स नहीं है, वो अल्टर कर सकते हैं, थोड़ी कभी बढ़ा दी या कभी घटा दी। अब आती है एग्जाम्पल में, जैसे मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेट इज सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तो आपको जम्मू में ही दिख जाएंगी। नो थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज मीन्ट फॉर प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन वेरियस बायोम। द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन इवॉल्व बाय यूनेस्को मैंस एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आर MAB। In the year of 1976, the Man and Biosphere Reserve Program identified about 57 Biosphere Reserve. The number of such areas have been increased since then. तो कहता गया है कि Biosphere Reserve में हम सिर्फ animals, जो wild animal को ही नहीं protect करते हैं, अगर वहाँ पर कोई आदिवासी रहते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, protection देते हैं, conservation show करते हैं। जो Biosphere Reserve है उसे हम तीन zone में divide करते हैं। जो अंदर वाला zone होता है उसे बोलते हैं core zone, it is the innermost zone डिवोटेड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होती। दूसरा था बफर जोन, जहाँ पे सम सेटलमेंट एंड रिसोर्स यूज इज अलाउड, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। थर्ड, जो सबसे बाहर वाला जोन होता है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी आर परमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, हम वहाँ से फॉरेस्ट की लकड़ियाँ उठा सकते हैं, रिक्रिएशन, क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व में देखिए हमने तीन जोन डिवाइड किए हैं, बाहर में एक्टिविटी कर सकते हैं, मिडल जोन में थोड़ी एक्टिविटी कम है, रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और इनर मोस्ट जोन बफर जोन जो सेंक्टम सेक्टोरियम है उसमें बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग नहीं अलाउ होती है। देन अनदर इज हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो वाले एरिया दैट आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीशीज, हैव हाई एंडेमिज्म एंड आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट। यहाँ पे वो वाले एनिमल्स रहते हैं जिनको इनडेंजर्ड है, जो थ्रेट है पोचिंग का ज्यादा डर उनको। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इंक्लूड इन द वेस्टर्न अमेजोन, कोलंबिया, ये बाहर की एग्जाम्पल है, मेडागास्कर, नॉर्थ एंड ईस्टर्न बोर्निया, ऑल ऑफ दीज एरिया हैव हाई बायोडाइवर्सिटी। और वर्ल्ड की 25 बायो, मैंने पहले बोला था वर्ल्ड की 25 हॉटस्पॉट में इंडिया में दो जो है वो पाए जाते हैं, और वो हैं वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन दैट कवर द ईस्टर्न हिमालय। दीज एरिया आर पर्टिकुलरली रिच इन फ्लोरल वेल्थ एंड एंडमिज्म, स्पेशली फ्लॉरिंग प्लांट, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, स्वेलो टेल, बटरफ्लाइज एंड सम मैमल आर ऑल्सो फाउंड देयर। सो जैसे मैंने पहले भी पीछे भी बोला था, फिर से बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में 25 जो है वो हॉटस्पॉट एरिया हैं, जिसमें से दो जो है वो इंडिया में हैं, और इसमें मैंने नाम बताए वो हैं वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन कैसे होती है? जैसे मैंने पहले बताया
यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उनको नेचुरल हैबिटेट से उठा दिया जाता है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है किसी और जगह पे, वहाँ पे उनकी कंजर्वेशन की जाती है बाय मीन ऑफ बोटेनिकल गार्डन, जू, सफारी पार्क्स, और अगर वो फिशेज वगैरह हैं जो एक्वेटिक एनिमल हैं तो उनके लिए एक्वेरिया बनाए जाते हैं, एंड इन इंस्टीट्यूट सच एज जीन बैंक, चाहियों में जीन बैंक में उनको कंजर्व किया जाता है ताकि उनके जीन्स जो हैं उनको प्रॉपरली कंजर्व भी किया जाए और उनको यूटिलाइज भी किया जाए। सो ये जो इन सिटू और एक्सिटू जैसे डिफरेंस बता दिया हुआ है, इन सिटू में वहीं पे एरिया अलॉकेट किया जाता है, वहीं पे उनको कंजर्व किया जाता है, लेकिन एक्सिटू में उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, छोटे छोटे जू बना दिए जाते हैं जहाँ बड़े जू भी हो सकते हैं, सफारी पार्क बना दिया जाता है, प्लांट्स के लिए बोटेनिकल गार्डन क्रिएट किया जाता है और एक्वेटिक एनिमल के लिए एक्वेरिया क्रिएट किया जाता है। देन डिफरेंस अमंग द थ्री, कि तीनों में क्या डिफरेंस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचुरल हैबिटेट ओन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी है दैट सेफगार्ड अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, एरिया ऑफ लैंड एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एज ए होल, पूरे पूरे इन्वायरमेंट को चाहे प्लांट एनिमल वहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट वैसे पूरा रिजर्व किया जाएगा। नेशनल पार्क में क्या होता है, नोटिफाइड एरिया दैट कवर लार्ज लैंड सच मे बी मे कवर मल्टीपल नेशनल पार्क सेंचुरी एंड रिजर्व एज वेल। वाइल्ड लाइफ में एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट रेप्टाइल सबको प्रिजर्व किया जाता है, बायोस्फीयर में ये प्रिजर्व किया जाता है बायोडाइवर्सिटी या फिर स्पेसिफिक एरिया, किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को वो स्पेसिफिकली उसे कंजर्व करेंगे। नेशनल पार्क में क्या होता है, फ्लोरा फाना लैंडस्केप और कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है उसको भी हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। देन वाइल्ड लाइफ में रिस्ट्रिक्शन आर लेस एंड ओपन टू विजिटाइजेशन ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब अब जनरल पब्लिक जा रही है आ रही है घूम सकती है। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे मैंने पहले बोल दिया तीन जोन है, तीनों जोनों में कैसी एक्टिविटी होती है, और नेशनल पार्क में हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है, रैंडम एक्सेस टू द जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड, मतलब पब्लिक रैंडमली नहीं घूम सकती। वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि परमिशन नहीं रिक्वायर होती है, बायोस्फीयर रिजर्व में सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया, एरिया के ऊपर डिपेंड है लोगों को परमिशन चाहिए घूमने के लिए या नहीं चाहिए, लेकिन नेशनल पार्क में जब भी घूमने जाना है तो परमिशन चाहिए, अगर परमिशन नहीं मिलती आप नहीं घूम सकते हो। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज़ डिफाइंड इट एज कैटेगरी 4 टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, वेयर एज बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो क्या है, रिकॉग्नाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम एंड नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट, वेयर एज नेशनल पार्क ये क्या होता है कि ये कैटेगरी 2nd टाइप में प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा वो था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कैसे कंजर्व करते हैं जैसे बताया गया है इन सिटू से और एक्सिटू से, इन सिटू में कैसे किया जाता है वो आपको बताया गया जैसे बाय मीन ऑफ क्रिएटिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट। देन एक्सिटू में कैसे किया जाता है कि एनिमल्स और प्लांट्स को वहाँ से नेचुरल हैबिटेट से शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पे और वहीं पे उनको कंजर्व किया जाता है, जैसे बताया गया बोटैनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया, सफारी हो गया या एक्वेरियम और जीन बैंक। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लोगों ने जितना भी ये बताया हुआ है इसे पेन डाउन करके अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है, और अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे।